और जो एक लंबे अरसे तक लोकसभा और राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते रहे, संघर्षशील, जनता के प्रति समर्पित, ऐसे प्रत्याशी श्री एसपी सिंह बघेल जी, सुनील टंडन जी, टीएन अग्रवाल जी, हेमलता दिवाकर जी, नवीन जैन जी, मंजू भदौरिया जी, डॉक्टर जीएच धर्मेश जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और बहुत नाम है, लोक दल के दुर्गेश शुक्ला जी, कप्तान सिंह चाहर जी, अपना दल के चौरसिया जी, सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति, मैं आज भाषण नहीं दूंगा, एक राज की बात बताऊंगा आपको, एक रहस्य इस मंच से उजागर करूंगा एसपी सिंह बघेल जी के लिए। अब वो मालूम नहीं घबरा रहे हैं कि कौन सा रहस्य उजागर कर देंगे, लेकिन जब मैं विधायक नहीं था तब एसपी सिंह बघेल जी की कार्यशैली की प्रशंसा सुना करता था। एक बार सरदार बनकर इनके घर गया पगड़ी पहनकर, जिससे पहचान न पाए, और मैंने इनकी कार्यशैली को देखा। सुबह से भीड़ लगी हुई थी, किसी के लिए टेलीफोन, किसी के लिए पत्र, किसी के लिए किसी से कुछ कहना। मैं स्कूटर से गया था, उसके बाद ये उठे, जिन जिन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से सीधी बात करनी थी उनको बैठा दिया था एक तरफ, मैं इनकी गाड़ी के पीछे, वो सब लोग चले, मैं इनके पीछे पीछे चला, जिलाधिकारी के पास पहुंचे, जिनका जिलाधिकारी से काम था उन सबको जिलाधिकारी से मिलवाया, काम की बात की, फिर एसएसपी के यहां गए, जिनके से जिनका एसएसपी से काम था उससे बात की, और फिर मैंने जानकारी ली तो इनकी लिस्ट में अपने क्षेत्र कई कई गांव थे, और उतने गांवों को ये रात भर में पूरा करके रात में घर पहुंचते थे, ये कार्यशैली थी उनकी। वहीं से मैंने अपना एक स्लोगन लिया था कि जनता से सतत संपर्क किया जाए, जनता की समस्याओं के लिए सतत संघर्ष किया जाए, और संघर्ष ही नहीं उसका सतत समाधान की प्रक्रिया पूरी की जाए, यह है एसपी सिंह बघेल का नाम। राजनाथ सिंह वाला, वो राजनाथ सिंह जी वाला एसपी सिंह बघेल जी स्वयं बताएंगे। बाकी अभी आवाज उठी थी यहां से, मैं वहां था तब मंच पर किसी ने कहा अब की बार 5 लाख पार लोकसभा के लिए, और पूरे देश से आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। मित्रों यह संभव नहीं है, आप सब में वो शक्ति है कि 5 लाख पार हो सकता है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। संकल्प ले लीजिए आप लोग, हमर बूथ पर 370 कम से कम जिससे हारे हैं अब तक, जिसमें वोट नहीं मिलता था वहां पे 370 वोट दिलवाएंगे, बाकी जहां जितना मिला था उसमें 370 का इजाफा कराएंगे, 5 लाख पार होगा। इनका सतत जीवन संपर्क जनता से, जनता के लिए काम करने की प्रक्रिया जहां इनको एक और लोकप्रिय बनाती है, वहीं मोदी जी का व्यक्तित्व कृतित्व, एक जादूगर भरा व्यक्तित्व पूरे विश्व में जो है, मोदी अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मात्र नहीं है, वो दुनिया का प्रधानमंत्री बन चुका है। मोदी कहता है दुनिया सुनती है, मोदी बोलता है दुनिया मानती है, यह है मेरा नेता मोदी। तो ऐसा नेता जिसके पास हो, जिसके कार्य हमारे पास हो, अगर कार्यों की बात करें तो लंबा सिलसिला है, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वोट मांगने उस क्षेत्र में आपको एक ना एक ऐसा काम मिल जाएगा जो मोदी जी की राज्य में या योगी जी की कृपा से ना हुआ हो, या आपके सांसद की मेहरबानी से, किसी विधायक की या किसी पार्षद की
जिम्मेदारी से ना हुआ हो। तो जमीन से लेकर, बल्कि मैं कहता हूं मोदी जी के लिए तो समुद्र से लेकर सूरज तक यदि काम देखोगे तो माननीय मोदी जी ने किया है इस देश के अंदर। एक नए कलेवर दिया है, नए तेवर दिए हैं देश। हमारा प्रत्याशी अच्छा, हमारा नेता अच्छा, हमारे कार्य अच्छे, तो क्यों नहीं हम वोट मांगने का हक रखते हैं। हम मांगने का हक रखते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रो कट इनकम्बेंसी बात हो रही होगी देश में। मोदी जी को दोबारा लाएंगे, मोदी जी को दोबारा लाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी सुनी होगी आपने, प्रो इनकम्बेंसी पहली बार हो रही है देश के अंदर। अब मैं आता हूं अपने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर की बात कर रहे थे माननीय हमारे पुरुषोत्तम जी, इनसे मेरा शुरू का बैर है। ये अध्यक्ष थे मेरे, नेता रहे भाई, और मैं महामंत्री रहा, इनका चमचा रहा, तो फिर बैर तो होगा ही। तो इनसे होड़ रहती है हमेशा, लेकिन इनके इनके साथ जोड़ भी हमेशा रहता है। होड़ इससे रहती है कि ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और जोड़ इसलिए रहता है कि इनसे कुछ सीखने को मिलता है। उस्ताद नाम रखा था इनका हम लोगों ने। तो मित्रों, इन्होंने उत्तर की बात की है। उत्तर पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की उन तीन विधानसभाओं से गिना जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी खंभा लड़ा देती है तो भी जीतेगा। और हम दक्षिण में हैं जहां पर 1,00,000 मुस्लिम, 50,000 जाटव, 25,000 अन्य वोट है। तो जो दक्षिण के कार्यकर्ता हैं उनको नमन करता हूं जो मुझे जिताकर भेजते हैं वहां। और पिछली बार जब सपा बसपा गठबंधन था तब एसपी सिंह जी बहुत चिंतित थे दक्षिण के बारे में। अब पूरे कार्यकर्ता मैं परिवार के हम जुट गए थे, मैं भी पूरे परिवार के साथ जुट गया था और संकल्प लिया था कि इनके डर को भी निकालेंगे, एक इतिहास रचेंगे। और उस समय 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीती थी। यह कृतित्व है हमारे कार्यकर्ताओं का, इसलिए नमन के योग्य है, वंदनीय है। और अब आप सबको परिवार के साथ जुटना होगा। आज नगाड़ा बज चुका है चुनाव का उद्घाटन के साथ, और अंतिम दिन ध्यान रखिएगा, पहले परिवार का वोट पड़ जाए, फिर पड़ोसी का वोट पड़ जाए, फिर टेलीफोन से परिचितों का वोट पड़ जाए। 5,00,000 पार होगा, 5,00,000 पार होगा, 5,00,000 पार होगा। धन्यवाद। हमारे बीच में फतेह